वेलेंटिस यहाँ कैंसर को मात देने में पूर्णतः सक्षम रेजिडेंट टोमोथेरेपी मशीन से इलाज किया जाता है। टोमोथेरेपी कैंसर रोगियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। कैंसर मरीजों के लिए समर्पित उत्तरी भारत का एकमात्र हॉस्पिटल वेलेंटिस मवाना रोड मसूरी मेरठ। उत्तराखंड में भी बुलडोजर एक्शन। अंकिता के हत्यारोपी का रिजोर्ट आधी रात में गिराया गया। बता दें कि शनिवार सुबह यानी आज पुलिस को अंकिता का शव मिल गया है। पुलिस को अंकिता की डेड बॉडी चिल्ला पावर हाउस के पास से मिली है। फिलहाल परिजनों की मौजूदगी में शव को ऋषिकेश एम्स रेफर किया गया। पौड़ी गढ़वाल जिले के यमकेश्वर विधानसभा इलाके के एक प्राइवेट रिजोर्ट में रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी 19 साल की थी। अंकिता बीते 18-19 सितंबर से गायब हो गई थी। पुलिस और एसडीआरएफ की टीम जिला पावर हाउस के पास शक्ति नहर में तलाशी अभियान चला रही थी। पुलिस ने इस मामले में बीजेपी नेता के बेटे पुलकित आदर्श सहित 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। सभी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलकित आदर ही उस रिजॉर्ट का संचालक था जहां अंकिता काम करती थी। युवती के लापता होने के बाद से रिजॉर्ट संचालक और मैनेजर फरार हो गए थे। मामले में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि आज बेटी अंकिता का शव बरामद कर लिया गया है। इस हृदय विदारक घटना से मन अत्यंत व्यथित है। दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए पुलिस उप महानिरीक्षक पी रेणुका देवी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन कर इस गंभीर मामले की गहराई से जांच के आदेश भी दिए हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी। नमस्कार। वर्धमान अकेडमी एंड इंग्लिश मीडियम को एजुकेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्लासेस फ्रॉम नर्सरी टू 12th। स्मार्ट क्लासरूम्स, वाईफाई कंप्यूटर लैब, एडवांस्ड मैथ्स एंड साइंस लैब्स, वेल स्टॉक्ड लाइब्रेरी, बेस्ट एनवायरनमेंट फॉर गेम्स, योगा एंड म्यूजिक। वर्धमान अकेडमी, रेलवे रोड, मेरठ।